नमस्कार। लॉ ऑफिसर्स राजा भंडोमेंट्स फॉर्मिंग कॉर्पोरेशन। वेलकम बैक एंड वेलकम टू वास्तु फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। द होस्ट हियर इज हमारे जाने माने डॉक्टर सतीश मिश्रा। आज डॉक्टर साहब हैज अलोंगसाइड हिम द वर्ल्ड रेनाउंड द वर्ल्ड लर्नेड स्वामी जी। हिज गुड नेम इज डॉक्टर मंजुल कांत द्विवेदी। लेट्स हियर दिस स्वामी जी'स टेक for this week. नमस्कार। डॉक्टर सतीश मिश्रा, हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे मध्य में स्वामी मंजुलानंद जी या डॉक्टर मंजुल द्विवेदी मौजूद हैं, जो वास्तुशास्त्र में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है और प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कर रहे हैं। तो स्वामी जी से आपने सुना है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ वैज्ञानिक वैदिक विज्ञान ही नहीं है, मगर हर तरीके का विज्ञान इसमें है और आधुनिक रूप से भी वो उसका महत्व है। तो आज आप ये बताइए कि सैद्धांतिक विज्ञान या उसके पीछे कुछ और भी है वास्तुशास्त्र में? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा अचंभित करने वाला सा है। देखिए, ये आपका मैं पूछने का मतलब मैं समझ गया। आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या वास्तु एवं सैद्धांतिक विज्ञान है या इसके पीछे कुछ और भी है? यह सही बात है। तो अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। असल में इसके पीछे ही अधिक है। जो सिद्धांत हैं वो तो खाली किताबी हैं। जैसे आप, जैसे कोई मरीज जो है वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से उसने कहा कि मुझे ये मर्ज है और आप हमें दे दें दवाई। सेम वही मर्ज का दूसरा आया, उसको भी वही बीमारियाँ थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको अलग प्रकार की दवाई लिखी। इसके मतलब क्या हुआ कि वास्तु केवल सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि कस्टमाइज है। किसी का घर, किसी की ज़मीन की एनर्जी कैसी है, ये उसी से गवर्न होता है। जो वो एनर्जी हम लोगों को आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन जो इस क्षेत्र के विद्वान हैं जिन्हें अनुभव है, उनको वो एनर्जी आँखों से दिखाई देती है और उनका छठी इंद्री इतनी सक्रिय होती है, इतनी जागरूक होती है कि वो वहाँ की एनर्जी का फील कर लेते हैं। तो वास्तु में जैसे कहा गया है कि पूजा घर उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए, या एक मिथक है कि अगर आपका घर पूर्व फेस का है तो बड़ा अच्छा है। ये पहले उस जमाने की बातें थी जब हमारे पंडित लोगों को केवल एक दो बातें पढ़ करके ये हो जाता था ज्ञान। ये बिल्कुल गलत है कि अगर पूर्व मुखी मकान है तो वो मकान अच्छा होगा। मैंने हजारों पूर्व मुखी मकान के लोगों को रोते हुए देखा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो देखने में बड़ा हट्टा कट्टा और अच्छा है, स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर के ऑर्गन जो है वो सब बेकार हो चुके हैं। तो घर का पूर्व मुखी होना एक हेल्दी मनुष्य को तो दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं वो नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए वास्तु में सिद्धांत ही सब कुछ नहीं है, वहाँ की एनर्जी बहुत माने रखती है। आप देखिए, इस तरह से मेरा ये कहना है कि वास्तु केवल खिड़की दरवाजे कहाँ पर क्या हो, खाली इसी का विज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये विज्ञान वह है जो हमें घर में चलने वाली ऊर्जाओं का भान कराता है, और अगर हम घर की गति करने वाली ऊर्जा को समझ लेते हैं तो हम वाकई में वास्तु का अच्छाइयाँ और बुराइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं। हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए एक कमरा है, उसमें वहाँ की ऊर्जा का क्या हाल है। हम क्लियन फोटोग्राफी से ये ऊर्जा का पता लगा सकते हैं कि इस कमरे में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है और कितनी नेगेटिव एनर्जी। इस तरह से अंत में मैं इस आपके इस प्रश्न का उत्तर ये कह के देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शरीर का ऑरा होता है, ऐसे ही हमारे मकानों का ऑरा होता है, और वही ऑरा असली रूप में वास्तु होश को प्रकट करता है, जिससे हम बहुत बुरी प्रकार से प्रभावित होते हैं। और अगर वो ऑरा पॉजिटिव है
तो हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारा मन शांत रहता है और हम अच्छी प्लानिंग बना पाते हैं और उस अच्छी प्लानिंग बनाने के साथ ही साथ हमारी प्रोग्रेस भी होने लगती है। स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया सैद्धांतिक विज्ञान के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों के घर यहाँ बने हुए होते हैं, घर हो या दफ्तर हो या ऑफिसेज हो, बने हुए तो उसमें वास्तु दोष जरूर होता होगा, आपने देखा होगा, अनुभव से किया होगा, तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं? आपका ये प्रश्न अधिक ही महत्वपूर्ण है और आपको बता दूं कि मेरे पास जो लोग परामर्श के लिए, विचार विमर्श के लिए आते हैं, उनमें से 70-80% वही लोग होते हैं जो लोग अपना मकान बनवा चुके हैं और नए मकान में आने के बाद जिन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सच बात तो यह है कि बन चुके मकान का वास्तु दोष दूर करना बहुत ही कठिन काम है। वास्तु के पुराने साहित्य में इसका कोई विशेष वर्णन है नहीं, इसको हम लोगों ने, आधुनिक वास्तुशास्त्रियों ने नए नए प्रयोग करके वास्तु दोष दूर करने की कोशिश की है। ये इसलिए भी और भी दिक्कत की बात है कि हमारा औरा जो अदृश्य होता है वो हमारे घरों में भी होता है, हमारे घर भी उसी प्रकार से संवेदनशील होते हैं, हमारी दीवारें भी उसी प्रकार से सोचती हैं, अनुभव करती हैं जैसे हम लोग करते हैं। इसलिए ये किसी भी घर के वास्तु दोष को दूर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन काम है। इसके लिए हमें पहले तो मकान में या प्लेस में घुस करके वहाँ की एनर्जी से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेट कैसे करना पड़ता, लेकिन आप विश्वास करिए कि जब मैं वो वास्तु कंसल्टेशन करने जाता हूँ तो जैसे आप हमसे बात करते हैं ठीक वैसे ही वहाँ की दीवारें, वहाँ की भूमि हमसे बात करने लगती है और अपनी कथा हमको सुनाने लगती है। तब मैं समझता हूँ कि ये मकान की क्या आवश्यकताएँ हैं और उसको मैं सोच करके, कम्युनिकेट करके वहाँ की दोष का निवारण करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए कई प्रयोग हैं, कई प्रकार से इसका हल हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन करने के लिए एक मैंने वाइब्रेशनल मेडिटेशन की पद्धति निकाली है, जो कि जब कभी समय होगा तब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और चूंकि अब हमारा एपिसोड भी ख़त्म होने पर है तो इसलिए मैं रिमेडियल वास्तु के बारे में अगले एपिसोड में बात करते हैं। उसके पहले हम सभी पितृगणों को नमन करता हूं और आज चूंकि फादर्स डे है इसलिए हम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि आप सुख समृद्धि से रहें और आपके बच्चे सभी फले फूलें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बताया कि घरों में भी ऊर्जा होती है, लाइफ होती है, तो ये बताने के लिए हमें काफ़ी सीखने को मिला है कि घर को वैसे ही ट्रीट करो जैसे बॉडी को ट्रीट करो। बिल्कुल बिल्कुल, उसी प्रकार से उसको साफ करो, साफ सफाई करो, प्यार करो, एकदम वैसे ही। तो अगला एपिसोड एक हफ्ते बाद इसी समय आएगा, तो उसमें आप सब लोग देखिएगा। तो अगला एपिसोड अगले हफ्ते में इसी समय आप देखिएगा, ज्वाइन करिएगा स्वामी जी को और हमको। नमस्कार। नमस्कार।